बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं औरंगजेब शेख आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल जियाज़ कुकिंग में वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला के रहम करम बरकत और शुक्र से आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेल्थी ब्रेकफास्ट। ये बनता है बाजरे के आटे से। व्यूअर्स, हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी बाजरे की रोटी। चले जान लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या। तो व्यूअर्स, स्पाइसी बाजरे की रोटी बनाने के लिए जिन इन्ग्रीडियंट्स की हमें ज़रूरत है वो हैं, हमने लिया है इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, बाजरे का आटा लिया है हमने, ये एक कप बाजरे का आटा लिया है। उसके बाद में हमने लिया है 2 टेबलस्पून बेसन, 10 से 12 हरी मिर्चें लिए हमने, एक बंच हरा धनिया लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियां लिए हैं, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है। तो चले इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चले तो व्यूअर्स, हम एक ग्राइंडर ले लेते हैं, इसके अंदर हम हमारी हरी मिर्चें डाल देते हैं और जो लहसुन की कलियां हैं वो डाल देते हैं और इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं बारीक पेस्ट के रूप में। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमने हरी मिर्ची और लहसुन को पीस करके इस तरीके से इसे कुरदुरा पीस लिया है। इसका पूरी तरीके से पेस्ट नहीं बनाया, बस ये हल्का सी कुरदुरा इसे पीस लिया है। तो अगला स्टेप हम आप प्रोसेस कर लेते हैं। बस अब हमने एक सेपरेट बाउल ले लिया है, इसमें हमने बाजरे का आटा ले लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन, इसमें डाल देते हैं हम जीरा, इसमें डाल देते हैं नमक, डाल देते हैं हरी मिर्ची जो हमने पीसी हुई थी अभी, हरी मिर्ची और लहसुन, और इसमें डाल देते हैं हम हरा धनिया। मसालों को मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। तो इन मसालों को आटे में हमने मिक्स कर लिया है और साथ ही में हम थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हम इसका डो बना सकें एक अच्छा। और गेहूं की रोटी का हम डो बनाते हैं उसी तरीके से इसका भी हमें डो बना देना है। और साथ ही में व्यूअर्स, हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून तेल और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखिए, इसका डो एकदम तैयार हो चुका है इस तरीके से। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट होने देते हैं। तो व्यूअर्स, देखिए 1/2 घंटा हो चुका है, 1/2 घंटा हो गया और हमने जो है एक पैन ले लिया है, उसमें तेल ले लिया है, उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही में हमने हमारे जो बाजरे के आटे के जो मसाला बनाया था उसका एक बॉल ले लिया और उसकी एक छोटी सी हमने एक फ्लैट रोटी बना ली है इस तरीके से, ये देखिए। अब हम इसे जो है इस तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। फ्राई हो रहा है, जब तक वो फ्राई हो रहा है मैं आपको दोबारा से बताता हूँ किस तरीके से हमने आटा लिया, आटे का एक छोटा सी बॉल बनाया और इसे हम फ्लैट कर रहे हैं टिकिया की तरह ताकि अंदर से हो। इसे फ्लैट इसलिए कर रहे हैं हम ताकि ये अंदर तक जो है कुक हो जाए, पक जाए। ये देखिए कितनी अच्छा इसका कलर आ चुका है और ये काफ़ी हेल्दी डिश है। अभी काफ़ी हेल्दी डिश है, इसे हर कोई खा सकता है। ये स्पाइसी है, इसे आप मेयोनीज़ के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए, बच्चे खा सकते हैं, इसे आप बटर लगा कर खा सकते हो, नाश्ते में खा सकते हो, ये टी टाइम स्नैक है। और ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से खाना चाहते हो, लेकिन ये एक हेल्थी ब्रेकफास्ट है, ये टी टाइम स्नैक है। ज़रूर आप इसे बनाइए आपके घरों में। तो व्यूअर्स, ये देखिए कितने अच्छे से ये हो रहे हैं स्पाइसी बाजरे की रोटी। तो जो हो चुके उससे हम डिश। तो व्यूअर्स, ये रहे हैं आपके हेल्थी पर्ल मिलेट फ्लोर फ्लैट ब्रेड यानी बाजरे की रोटी, स्पाइसी बाजरे की रोटी, बिल्कुल तैयार आपके नाश्ते की शान बढ़ाने के लिए। इसे आप सवेरे नाश्ते के वक्त खा सकते हो, इसे आप इवनिंग में टी टाइम स्नैक के वक्त खा सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्थी हैं, इसे बड़े बूढ़े बच्चे सारे ही खा सकते हैं। इसे मैंने गार्लिक मेयो के साथ गार्निश किया है, आप इसे गार्लिक बटर या बटर के साथ भी खा सकते हो।
या टमाटो केचप जो आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगता है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोबारा मिलते हैं एक नई रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।